फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज बताऊंगा Alibaba.com से आप प्रोडक्ट परचेस करने के बाद Amazon, Flipkart या अपनी स्टोर में कैसे बेच सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है, अगर इसको कर पाओगे तो बहुत सारे पैसे इंडिया में कमा पाओगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो, अलीबाबा वेबसाइट एक ग्लोबल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पूरी दुनिया में इससे अब मतलब सप्लायर है, मतलब इस वेबसाइट से अगर आप परचेस करोगे तो दुनिया में कहीं भी बैठा बंदा उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। जैसे अमेजोन में डॉट इन है, डॉट कॉम US के लिए है और UK के लिए डॉट UK है। ऐसा नहीं है, अमेजोन Alibaba.com में आप परचेस इंडिया में बैठ के भी परचेस कर सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन ये है, अगर आप कुछ परचेस करते हो तो लॉट के हिसाब से मिलेगा, एक पीस आपको नहीं मिलेगा। इसमें कोई भी चीज़ आपको लॉट के हिसाब से मिलता है और सस्ता मिलता है, ठीक है, उसी हिसाब से सस्ता मिलता है। अब इसकी वेबसाइट के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, इसमें अगर कोई भी प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे, जैसे मैंने एक लेडी पर्स का प्रोडक्ट फाइंड किया, इसमें आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सप्लायर से बात कर सकते हो, आज चैट करके उससे बात कर सकते हो। अभी सप्लायर कंट्रीज में दे रखा है, अगर इंडिया में क्लिक करोगे तो 263 सप्लायर है इसमें, जो काउंटिंग बता दिया इसमें। तो इसमें कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप जैसे जैसे मैं एक लेडी बर्ड्स किया है, कॉन्टैक्ट सप्लायर करोगे तो यहाँ क्लिक करोगे तो इंडिया का सप्लायर से बात कर सकते हो, उस सप्लायर से आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। अभी बात ऐसे है, मैं कौन सी प्रोडक्ट खरीदूँ। देखो, कुछ ब्रांडेबल प्रोडक्ट आप नहीं खरीद सकते हो, जैसे नाइक हो गया, नाइक का शूज हो गया या एडिडास का शूज हो गया, कोई भी ब्रांडेबल प्रोडक्ट आपको जो बड़ा ब्रांड है उसको आप खरीद के बेच नहीं सकते। अपने स्टोर में तो बेच सकते हो या अपने कुछ स्टोर छोटा मोटा स्टोर में बेच सकते हो, अगर तो नहीं बेच सकते हो, उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। तो ये है, आप पहले जो सामान वहाँ से मंगाओगे लॉट के हिसाब से मंगाओगे। तो जैसे मैंने एक लेडीज़ पार्ट्स की मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कैसे मिलता है। ये 15 पीस $4.8, मतलब इसकी लगभग 300 350 आसपास, मतलब वहाँ आपको 15 पीस खरीदोगे तो मिलेगा। उसके बाद ये है 3 पीस, उसके बाद ये 3 पीस, ये 100 पीस। देखो, ये जो बैग दिख रहे हैं आपको, ये 100 पीस आपको 1.95, मतलब $2 मान के चलो, ₹160 करके पड़ेगा एक एक बैग। तो आप इसमें कितने पीस मंगा सकते हो, 100 पीस मंगा सकते हो। तो इतना सस्ता, मतलब 160 का, या इंडिया में अगर ये बैग अगर सही ढंग का हो गया तो इसमें 300 साढ़े 300 तो बिक ही जाता है। तो जो भी है, इसमें लेडी बैग हो गया, मैं और भी बहुत प्रोडक्ट है, वाटर बॉटल है, उसके बाद आप जो भी सोचोगे उस प्रोडक्ट यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। अभी तो मैं आपको वेबसाइट के बारे में जानकारी दे दिया, अभी ये बताओगे मेरे को कौन सी प्रोडक्ट बाय करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। कौन सी रिसर्च, जो प्रोडक्ट ब्रांडेबल नहीं है पहले बात है, दूसरी बात है जो प्रोडक्ट आप वहाँ से बाय कर सकते हो, जो यहाँ इंडिया में मार्केट में डिमांड हाई है और कंपटीशन बिल्कुल लो है, इसके लिए आपके लिए थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, तो आपको शायद पता होगा कीवर्ड रिसर्च आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है, या सीजनल हिसाब से जो सामान डिमांडेबल है वो सामान आपको मंगाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी है, अभी ये तो सामान का हो गया कंप्लीट बात, जो सामान हम कहाँ से मिल सकता है कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने दे दिया। अभी इस सामान को मैंने बाय तो कर लिया, अभी इसको बेचेंगे कहाँ, सबसे प्रेट होता प्रॉब्लम। तो बेचना है आप अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में और अपने स्टोर में बेच सकते हो, अपना जो पर्सनल सिटी में अगर स्टोर में, स्टोर में बेच सकते हो, या नहीं तो आप यूट्यूब चैनल खोल के उसमें रिव्यू वीडियो बना के आप उसमें बेच सकते हो, ठीक है। या आपने एक वेबसाइट भी बना लिया और साथों साथ एक यूट्यूब चैनल भी खोल लिया, तो आप उस यूट्यूब चैनल के जरिए आप ट्रैफिक को कन्वर्ट कर सकते हो आपके वेबसाइट में और उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अमेजोन, ये तो हो गया यूट्यूब की, अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट में कैसे बेच सकते हो। देखो, अमेजोन में आपको सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेलर अकाउंट बनाने के बाद आप उसको रजिस्टर करके उस सामान को आप बेच सकते हो, ठीक है। तो सेलर अकाउंट की मैं कंप्लीट एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने दूंगा सोच रहा हूँ। पहले मैं इस तरीका को जो वीडियो अब स्टार्ट किया इसको कंप्लीट करता हूँ। तो सेलर अकाउंट बनाना है, सेलर अकाउंट बनाने के बाद आप उसको बेच सकते हो और अमेजोन में भी ऐसे बेच सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ जानकारी होना चाहिए, अमेजोन में कौन सी प्रोडक्ट बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, इस भी बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। जो अमेजोन पॉलिसी होता है ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है, अगर आपने अलीबाबा से .com से प्रोडक्ट ले लिया या अमेजोन या फ्लिपकार्ट में उसको बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और कौन सी प्रोडक्ट आपको बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है
उसके बारे में अगर नई जानकारी हो तो अगर जैसे मान के आपके 20-25 सेल हो गया, सेल होने के बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और जितना सेल हुआ जितना फंड है अमेजोन से आपको नहीं मिलेगा। जैसे यह थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, इसको आप पढ़ लेना, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इसको देख लेना, जिसमें फिर फुलफिल ऑथेंटिक प्रोडक्ट प्रोविडेंट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग बूट लेग्स फेक्स और पार्टियल कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉन्टेंट, मतलब आपको नाइक का कोई कॉपी मंगा लिया और उसको बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं है, ब्रांडेबल का कॉपी, तो ये दैट हैड बीन द इलीगली द रेप्लिकेट एंड मतलब आपको सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। मैं इतना बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको पढ़ लेना देख लेना, तो इसको आप पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कौन सी प्रोडक्ट मेरे को खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो इस वीडियो में लगभग मैंने कम्प्लीट ही बताया था, किसी का कॉमेंट हो या किसी का क्वारी हो, मेरे को और जानकारी चाहिए इसके alibaba.com से मेरे को सामान ला के इंडिया में कैसे बेचना है, तो कॉमेंट करना और मैं कम्प्लीट उसको बताऊँगा भैया, नेक्स्ट और एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।